Welcome back to my lectures, class 12 physics. I hope you understood all my previous lectures of chapter electrostatic, that is electric charges and fields. Now here we have another topic, that is rectangular components of electric field. मतलब हमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है. ओके, नाउ लेट अस अज्यूम कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है. ओके, यहां पर हमारे पास कोई भी एक चार्ज है क्यू. ओके, नाउ बिकॉज ऑफ दैट क्यू इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, दैट इज इन अ 3D, ये इसका पोजिशन वैक्टर है आर. और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट अस अज्यूम दिस इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी ई. यहां पर ये जो चार्ज है क्यू एट पोजिशन वेक्टर आर, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो गई ई. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन ऑल द 3 डिफरेंट डायरेक्शन. सो वी कैन राइट अलोंग दिस डायरेक्शन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई एक्स. अलोंग दिस डायरेक्शन वी कैन राइट दिस टू बी ई वाई. एंड अलोंग दिस डायरेक्शन वी कैन राइट इट टू बी ई जेड, बिकॉज दिस एक्सिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड. मीन्स यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपन ने उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग जेड डायरेक्शन. एंड वी हैव टू फाइंड ऑल दीज थ्री इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ एट दिस पॉइंट लेट अस कंसीडर इज अ पोजिशन वेक्टर आर है. इस पी पॉइंट के लिए जो पॉइंट्स है वो है एक्स वाई एंड जेड. मतलब यहां पर ये जो पोजिशन वेक्टर है आर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. दिस इज द पोजिशन वेक्टर आर. ओके, सिमिलरली यहां पर इस आर का जो मैग्नीट्यूड है उसको लिख सकते हैं अपन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ओके, नाउ एट दिस पॉइंट हाउ वी कैन राइट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई. ई इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू, मतलब जो सोर्स चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप. दिस आर कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, नाउ वी कैन ऑल्सो राइट दिस ई इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू. ये जो यूनिट वेक्टर है इसको हम वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं. तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, दिस इज वेक्टर आर डिवाइडेड बाय दिस आर क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा. तो यहां पर ये क्या हो गया, वेक्टर. नाउ वी विल यूज द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर, दैट इज ई इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू. दिस आर आई कैन राइट इट एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाय आर क्यूब. मतलब आर क्यूब यहां पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्यूब करना है. तो साथ साथ यहां पर क्या है, रूट भी है. मतलब ये कितना हो जाएगा, 3/2 क्यूब. एंड देन बिकॉज ऑफ दैट रूट दैट इज इक्वल्स टू 1/2. मतलब ये कितना हो गया, 3/2. नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट दिस पॉइंट पी, ये क्या है, वी कैन राइट इट एज ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप. क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन ई एक्स, अलॉन्ग वाई डायरेक्शन ई वाई एंड अलॉन्ग जेड डायरेक्शन, दैट इज ई जेड. एंड फॉर एक्स डायरेक्शन वी आर यूजिंग आई कैप, फॉर वाई डायरेक्शन वी आर यूजिंग जे कैप, एंड फॉर जेड डायरेक्शन वी आर यूजिंग के कैप. एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल कंपेयर बोथ साइड्स. अब यहां पर जैसे ही हम दोनों कंपेयर करेंगे, वी विल गेट द रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बिकॉज हियर एज वी हैव हियर आई कैप, वी विल कंपेयर दिस विद दिस आई कैप. सो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट दिस ई एक्स इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू एक्स. बाकी के साथ अपन कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज यहां पर आई कैप है, आई कैप ये है. मतलब यहां पर क्यू इंटू एक्स आई कैप प्लस क्यू इंटू वाई जे कैप प्लस क्यू इंटू जेड के कैप. तो हमें क्या लेना है, सिर्फ आई कैप वाले टर्म यहां पर लेनी है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर
3 by 2, that is along y direction. Similarly, we can also write it for z direction, that is Ez is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q into z, that is qz divided by x square plus y square plus z square raised to the power 3 by 2. So in this way, we can calculate the rectangular components of the electric field at a particular point.